हेलो बच्चों, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी जो परमाणु संरचना है, आज ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, जो अपना टॉपिक बचा हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग क्या समझने वाले हैं, जरा ध्यान से समझेंगे, एक एक बात को क्लैरिटी के साथ समझने वाले हैं। तो क्या समझेंगे, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल, इनके स्टेबिलिटी को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम समझें कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो इन दोनों में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है एज कंपेयर टू हाफ फील्ड। क्लियर है? जैसे अगर कल को कोई पूछे कि P3 और P6 इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो जैसा कि बच्चों हम लोगों को पता है P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। अब यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल अप करेंगे और यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल अप करेंगे, तो इनमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला होगा, ये होगा मोर स्टेबल और ये होगा लेस स्टेबल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ज्यादा होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, उस केस में अमाउंट ऑफ एनर्जी उतना ज्यादा बाहर निकलेगा, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ने लगता है। तो सबसे ज्यादा फुल फील्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से ज्यादा निकलेगा। लेस स्टेबल कौन होगा, हाफ फील्ड। तो दोनों में अगर कंपेयर, स्टेबल दोनों होते हैं, हाफ फील्ड फुल फील्ड दोनों होते हैं, लेकिन अगर दोनों में अगर तुम कंपेयर करते हो कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो हमेशा फुल फील्ड होगा। तो इसको ध्यान देना। आगे चलते हैं। अब एस को नहीं ले रहे क्योंकि एस में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। अब मान लो हमारे पास अगर ऐसे कभी रहे, डी की बात कर लेते हैं, यहां पे किसके बारे में बात कर लेते हैं, डी के बारे में। तो जरा ध्यान से समझना, ये बहुत बड़ा बलंडर नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा, जरा ध्यान से समझना। देखो, अब जरा डी के बारे में बात करते हैं, डी ऑर्बिटल के बारे में। तो डी में एक होता है D5, एक होता है D10। D5 क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, और D10 क्या होता है, फुल फील्ड होता है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मोर स्टेबल होगा ये, हालांकि स्टेबल दोनों होते हैं, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला होगा, D10 वाला होगा। ठीक है? लेकिन अगर कल को हमसे बोले कि D4 एंड D5 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, D4 और D5 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, ये बताना है। तो सबसे पहले D4 बना लो इस तरीके से, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद देखो क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। अब इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, ये इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन एक बार इनके साथ एक्सचेंज कर सकता है, एक बार इनके साथ कर सकता है, एक बार इनके साथ कर सकता है, तो कितने बार करेगा, 3 बार एक्सचेंज करेगा पोजीशन। ये वाला कितने बार कर सकता है, ये वाला एक बार इनके साथ कर सकता है, एक बार इनके साथ कर सकता है, कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। ये वाला किसके बाद कर सकता है, ये वाला केवल इसके बाद साथ कर सकता है, किसके साथ कर सकता है, केवल एक टाइम इसके साथ कर सकता है, तो +1 हो जाएगा। तो टोटल यहां पे पोजीशन कितने बार एक्सचेंज हुए, 3, 2, 5, 6 बार एक्सचेंज हो गए, कितने बार, केवल 6 बार हो रहा है बेटा, ये ध्यान दो। लेकिन अगर तुम D5 में चलते हो तो इसको देखो, 1, 2, 3, 4, 5। अब जरा एक्सचेंज कराना, तो पहला वाला एक तो इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, टोटल कितने बार, 1, 2, 3, 4 बार एक्सचेंज किया। ये वाला दूसरा वाला एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, टोटल 3 बार हो गया। अब इनका इनका हो गया, इनका चलते हैं, ये कितने बार कराएंगे, एक बार यहां, कितना हो गया, 2 बार। अब ये वाला कितने बार कराएगा, एक बार यहां पे कराएगा, तो 1, टोटल कितने बार, 4, 3, 7, 2, 9, 10 बार। तो देख रहे हो, यहां पर इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को 10 बार एक्सचेंज कर रहे हैं, तो 10 बार एक्सचेंज करने को समझते हो, और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगा,
एनर्जी और ज्यादा बाहर निकलेगा तो स्टेबिलिटी और ज्यादा होगा। तो इसीलिए बताया गया है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड में सबसे ज्यादा एक्सचेंज फुल फील्ड में होगा, ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड में थोड़ा कम एक्सचेंज होता है। लेकिन अब हाफ फील्ड से जो कंपेयर कराएंगे जो हाफ फील्ड नहीं होते हैं, तो जैसे D4 और D5 का कंपेयर करा रहे हैं, तो यहाँ पर तो ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड नहीं है, तो ये हाफ फील्ड नहीं है, तो इसमें केवल 6 बार एक्सचेंज हो रहा है, जब ये हाफ फील्ड है तो इसमें 5 बार हो रहा है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कौन होगा बताओ, तुम लोग बताओ, जहां पे एक्सचेंज ज्यादा होगा। तो इससे स्टेबिलिटी को कंपेयर कराते हैं, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से एफ में जाओगे, तो एफ में 7 इलेक्ट्रॉन भरोगे, एक में 14 इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो 14 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें एक्सचेंज ज्यादा होगा। इसी तरीके से अगर F6 में कंपेयर कराओ, F4 में, F5 में, किससे, F7 से, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, F7 का होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को एक दूसरे के साथ ज्यादा एक्सचेंज कर रहे होंगे, तो इस केस में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा बाहर निकल रहा होगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब जरा सा यहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। आज इस चैप्टर को फिनिश करना है बेटा, कुछ भी करके। चलो अब थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में यहां पे सुन लो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में इसमें मैं तुम लोगों को दो बताने वाला हूं, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और दूसरा मैं बताऊंगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये दो होंगे। तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब समझ लो, ऐसे स्पीसीज होंगे जिनके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तो वो डायमैग्नेटिक के कैटेगरी में आएंगे। अब जैसे हमसे कल को बोला Cu+ और Cu+2 में, इन दोनों में कौन डायमैग्नेटिक है कौन पैरामैग्नेटिक है, तो सबसे पहले तुम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। एटॉमिक नंबर 29 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 10, 4s1 होता है। तो अब तुम Cu+ का लिख रहे हो, तो Cu+ का लिखने का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल से निकाला जाता है। तो इस केस में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 10 हो जाएगा। अब S में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, Cu+2 का, सॉरी Cu+ का। अब Cu+2 का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 हो जाएगा। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा d से भी निकल जाएगा, तो 3d9 हो जाएगा। तो Cu+ के केस में d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है जरा चेक कर लो, 1, 2, 3, 4 और यहां पे भर लो 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां पर d 10 है, मतलब d ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा है। यहां पर देखोगे तो d9 है, तो d9 में किस तरीके से होगा, 1, 2, 3, 4 और यहां पे हो जाएगा 5, यहां पे होगा 6, 7, 8, 9। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे तुमको अनपेयर्ड के फॉर्म में दिखेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे अनपेयर्ड के फॉर्म में दिखेगा। तो ये तुम्हारा नीचे वाला यानी जो Cu+2 है, ये तुम्हारा पैरा हो जाएगा और ये तुम्हारा डाया हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से चलते हैं। कभी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना हुआ तो जितना प्लस चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालते जाना वैलेंस सेल से, और जितना माइनस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना वैलेंस सेल में। ठीक है, तो ये तरीका होता है बताने का डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर, बता लोगे। एक बात तो मैं और बता देता हूं, मैंने हुंड्स रूल पढ़ाया नहीं, उससे भी हुंड्स रूल में बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा बात है, उसको मैं अभी डिस्कस कर देता हूं। देखो हुंड्स रूल कहता क्या है कि जब किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, देन बाद में इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करते हैं। तरीका बताता हूं ध्यान से सुनना। देखो जैसे मान लो हमको यहां पे फिलअप करना है, P3 में
मान लो पी में 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हुंसुल क्या कहता है, ऐसे पहले ये बॉक्स बना ली, डीजेनरेट ऑर्बिटल होते मैंने बताया है। 3 इलेक्ट्रॉन भरने का दो तरीका, या तो तुम ऐसे भर दो, एक ऑर्बिटल खाली बच्चा है, या फिर तुम ऐसे भरो 1, 2, 3। तो हुंस ने क्या बताया कि पहले जब भी हमको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना होगा, ऑर्बिटल सारे डीजेनरेट होते हैं, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, बाद में देन जब इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उसको पेयर में भर देंगे। तो भरने का सही तरीका क्या होगा, ये होगा, ये गलत होगा। पी फोर में अगर भरना है तो पहले क्या करो, ऐसे नहीं भरना कि ऐसे 2, 2, 4 लो हो गया, नहीं, पहले क्या करोगे, पहले 1, 2, 3 भर लिए पूरे ऑर्बिटल को, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा ऐसे भर दो। तो ये हुंस रूल के अकॉर्डिंग होगा, अब समझ गए, तो यही हमारा हुंस रूल कहता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सोच लो। तो ऐसे चलती हैं चीजें। तो इस तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताया जाता है, एनर्जी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट, मतलब कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा, ये सारा चीज फंडा डिस्कस किया जाता है। अभी चलो जरा इसमें अगर बात करते हैं, अब अगर हमसे कल को कोई पूछा, हमारे पास Na प्लस है, Cl माइनस है, इन दोनों में से कौन डाया है, कौन पैरा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सोडियम का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, 2p6 3s1 होता है, लेकिन एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। तो 2p6 मतलब देखो p में 6 इलेक्ट्रॉन है, पूरी तरीके से भरा है, तो p6 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये डाया हो जाएगा। अगर मान लो cl माइनस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे cl माइनस में, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक cl में 17 इलेक्ट्रॉन होता है, एक माइनस चार्ज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन 18 होगा, तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लिख देना। तो देखो P पूरी तरीके से भरा है, तो मतलब दोनों डाया होंगे, दोनों डाया मैग्नेटिक नेचर के होंगे, और जब ये दोनों Na प्लस और Cl माइनस ऐसे मिलकर के क्रिस क्रॉस मेथड के थ्रू NaCl बनाएंगे, तो ये सोडियम क्लोराइड बनेगा, और सोडियम क्लोराइड कैसा हो जाएगा भाई साहब, डाया मैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, समझ गए। तो चीजें इस तरीके से चलती हैं, तो इस तरीके से मैग्नेटिक बिहेवियर वगैरह के बारे में बताते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं तुम लोगों को एक फार्मूला और डिस्कस करने जा रहा हूं, यहां पर मैं एक दो फार्मूला बता देता हूं, उन दोनों फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं ये भी अभी कभी मैं डिस्कस कर दूंगा और बता दूंगा, तुम लोग यूज कर लेना। अब बाकी तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट सिखा ही दिया है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, कभी ये पूछ सकता है पेयर्ड अनपेयर्ड और अनपेयर्ड का कॉन्सेप्ट, जैसे कल को हमसे पूछे, मान लो वो भी मैं बता देता हूं, पहली बात तो पेयर्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जोड़े में मिलेंगे, अनपेयर्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अकेला मिलेगा। अब मान लो कल के हमसे पूछा Na में और Na प्लस में इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो Na का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, तो S में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि होना चाहिए था मैक्सिमम दो भरे जाते हैं, दो होता तो पेयर्ड में होता, जोड़ा में होता, तो जोड़ा में नहीं है, मतलब इसमें यूपी इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है। यूपी इलेक्ट्रॉन का मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस इलेक्ट्रॉन नहीं होता भाई साहब, यहाँ पर होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Na प्लस में अगर देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 p6 तक ही रहेगा, तो इसमें यूपी इलेक्ट्रॉन कितना है, जीरो हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर तुमसे पूछा Cu प्लस 1 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आर्गन 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, यूपी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। Cu प्लस 2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, आर्गन 3d9 हो जाएगा, और डी में 10 होता है तो फुली फिल्ड होता है, एक 9 आ गया, कम हो गया, एक कम होकर 9 आ गया, तो यूपी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। कल को पूछा अगर O माइनस 2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर O में केवल पूछा तो 1s2 2s2 2p2, देखो P में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को P में इसी तरीके से दिखाओगे तो यूपी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे।
तो पेयर्ड अनपेयर्ड का कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है। कोई समस्या कर लोगे? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अभी डी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं तुम लोगों को फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू रूट में एन इंटू एन प्लस टू बीएम। बीएम हमारा होता है बोहर मैग्नेटॉन, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है, और एन क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम किसी भी आयंस का एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर ओनली डी सबसेल। डी सबसेल या डी ऑर्बिटल में जिनके इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनके लिए वैलिड है, या डी ब्लॉक के लिए मैं सीधा सीधा लिखूंगा कि यह केवल किसके लिए वैलिड है? डी ब्लॉक के लिए वैलिड है। ठीक है, इस तरीके से अगर तुम एफ ब्लॉक के लिए निकालना चाहते हो तो म्यू इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। म्यू इज इक्वल टू होता है रूट में 4s, और यहां पे s प्लस 1, फिर यहां पे तुम्हारा हो जाएगा प्लस l, l प्लस 1, ये हमारा होगा। अब जबकि यहां पे जो s होता है, एस क्या होता है यहां पे? एन बाई टू होता है, और यहां पे एन क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर एफ ब्लॉक। तो ये फॉर्मूला यहां पे चलता है। क्लियर है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। नीट पीवाईक्यू में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन फिर से अपन डिस्कस कर लेंगे, काम हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी तो काम हो ही रहा है सब। तो आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये वाला जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, सारा का सारा उसमें डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।